दर्शक बिन आज आप लोग देख रहे हैं सत्य की छानबीन। आप लोग ज़्यादातर सुनते आए हैं बड़े बड़े न्यूज में इस मदरसे के बारे में। इस मदरसे के अंदर बहुत सारे बच्चों को बम बारूद बनाना सिखाते हैं, तो ये बात कितनी की सच्चाई है, कितनी की हकीकत है, आइए अंदर चलकर हम लोग पता करते हैं इस बात की कितनी सच्चाई है। देखिए हमारे सामने एक मौलाना साहब आ रहे हैं, आइए तो चल के इनसे पूछते हैं इस बात की क्या हकीकत। जी तो मौलाना साहब, क्या आप इसी मदरसे के अंदर पढ़ाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसी मदरसे के अंदर पढ़ाता हूँ। तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी। हम लोगों ने इस मदरसे के बारे में बहुत सी अफवाह सुन रखी है। हम लोगों ने ये सुना है कि आप लोग इस मदरसे के अंदर बच्चों को बम बारूद बनाना सिखाते हैं, आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग देते हैं। क्या आप लोग मदरसे में यही सब सिखाते हैं? वाह, क्या ख्यालात है। चंद लाइक्स के लिए, वाह, चंद व्यूज के लिए हमारे मदारिस पर ऐसे घिनौने इल्जामात लगाते हो। आ चल, मैं तुझे मदरसे की सच्चाई बताता हूँ, चल। आ देख इन मासूम बच्चों की तरफ, क्या ये मासूम बच्चे तुझे दहशत करते नजर आते हैं? आ चल, मैं तुझे दिखाता हूँ। देख इस मासूम बच्चे की तरफ, क्या ये बच्चा तुझे बम बनाने वाला लगता है? अरे इस किताब की तरफ देख, ये किताब तो हमें अमन सिखाता है और तू इसे दहशत गर्द बोलता है। अरे देख इस उस्ताद की तरफ, इस महंगाई के दौर में भी चंद हजार के लिए इन मासूम बच्चों को जीने का सही तरीका सिखाते हैं। और तू किस मुंह से कहता है कि ये मदारिस दहशत गर्द है? अरे मेरे भाई, ये मदरसा तो हमें अमन और शांति का दर्श देता है। मुझे फखर है मदरसे के इस उस्ताद पर, जो अपना कीमती वक्त निकालकर इन बच्चों की जिंदगी सवारने में लगाते हैं। अरे ये बच्चे तो फूल है फूल, और मुझे उम्मीद है जब ये खिलेंगे तो पूरे आलम के अंदर अपना खुशबू फैलाएंगे। इसके साथ कुछ ऐसे हादसा हुए जिसकी वजह से इसकी जिंदगी इस तरीके से तब्दील हो गई। साथियों, तो आज का ये जो मशवरा रखा गया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे मस्जिद के अंदर फ़िलहाल कोई भी ज़िम्मेदार साथी नहीं है, तो ये मशवरा रखने का मकसद ये है कि आज जो है तय कर दिया जाए कि मस्जिद के ज़िम्मेदार कौन रहेंगे। तो इसलिए मशवरा रखा गया है। तो माशाल्लाह मशवरे के अंदर खैर होता है, इस वजह से आप तमाम साथियों को जमा किया गया है कि मस्जिद का ज़िम्मेदार तय कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह सबसे पहले जो है एक फैसल तय बना दिया जाए कि हमारे साथियों में एक फैसल रहेंगे जो कि फैसला करेंगे कि आज के मस्जिद के ज़िम्मेदार जो है फला साथी रहेंगे बोल के। तो मेरी तो राय थी कि आज के जो है अमीर फैसल जो है हमारे उमर साहब बन जाए। आप तमाम साथियों क्या राय? ठीक है, इंशाल्लाह आज के फैसल जो रहेंगे हमारे उमर साहब रहेंगे और यही फैसला करेंगे हमारे तमाम साथियों से राय लेकर कि मस्जिद के जिम्मेदार जो है कौन साथी बनेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उमर साहब, आप तमाम साथियों से मशवरा लेकर इंशाल्लाह फैसला कर दे कि मस्जिद के जिम्मेदार कौन रहेंगे, तमाम साथियों से राय ले ले। तो आसिम भाई, तो आपका क्या राय है? मेरी मशवरा है कि साथ सभी साहब बने। जी तो साथ साहब, आपकी क्या राय है? जी तो मेरी राय ये है कि अमीर साहब खुद रहे। तो इमाम साहब, आपकी क्या राय है? जी अमीर साहब, मेरी राय है कि हमारे हाफिज सोहेल साहब बने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये पांच वक्त की नमाज में जुड़ते रहते हैं और दावत का काम भी होते रहता है और बाहर से लोगों को लेके आना मस्जिद में, फिर हमेशा मस्जिद हरा भरा रहता है इनकी वजह से। तो मेरा मशवरा है कि हाफिज सोहेल साहब ही रहे। तो क्या राय है आपकी सोहेल साहब? मेरी राय है कि हमारे नाजिम साहब बन जाए। जी तो नाजिम साहब, क्या राय है आपकी? तो जी तो मेरा मशवरा था कि हाफिज सोहेल साहब ही बन जाए, क्योंकि माशाल्लाह ये मस्जिद में हर वक्त जुड़ते रहते हैं और मस्जिद की आबादी की फिक्र में भी रहते हैं, साथियों को जोड़ते रहते हैं और मस्जिद का जो है इधर उधर का सारे काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बखूबी अंजाम देते रहते हैं। तो मेरा तो मशवरा था अमीर साहब
कि हमारे हाफिज़ सोहेल साहब ही बन जाए, तो आप फैसला कर दें, आप फैसला लें आज के। तो तमाम साथियों का राय को देखते हुए मेरी राय है कि साथ साहब जो हैं, तमाम साथियों की राय को देखते हुए हमारे अमीर साहब ने जो है मस्जिद का जिम्मेदार जो है जनाब साद साहब को तय कर दिया है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जनाब साद साहब जो है अपनी जिम्मेदारी को बखूबी हुस्न बखूबी के साथ अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो यार तू नाजिम बन गया, बधाई हो तुझे। यार तेरे को नहीं लगता ये इमाम कुछ ज्यादा ही बोल रहा है? अरे यार छोड़, उसे बाद में देख लिया जाएगा। चल। सलाम अलैकुम इमाम साहब। अरे वालेकुम सलाम जुनैद भाई, क्या हाल है? और बिटिया कैसी है हमारी? आय हाय हाय हाय, चलिए ठीक है, दुआ कीजिए। अरे अब्बू आप कब आए? सलाम अलैकुम। बैठिए, खाना खा के जाइएगा, ठीक है? बेटा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है? पानी गर्म करके आ रही। अरे जोया, बच्ची का बुखार तो बढ़ते जा रहा है। बढ़ेगा नहीं जब इलाज ही नहीं करवाओगे तो। तुम्हारे 10,000 से कुछ होने वाला नहीं है, यही हालत रहा तो बच्ची मर जाएगी। चल बेटी घर। अरे जोया तुम तो मेरी बात समझ। क्या करूं, मेरा 10,000 का तनख्वाह है तो मेरी गलती है इसमें। अबू अब्बू चलिए घर। अरे जोया, एक काम करता हूँ, अभी जो मस्जिद के नए जिम्मेदार बने हैं उनसे जाके अपने बच्चे के बीमारी के लिए बात करता हूँ, शायद कि वो मेरी मदद करे। साहब मेरी एक दरख्वास्त है, आप लोग मेरे तनख्वाह में कुछ इजाफा कर देते तो मेरे लिए बहुत बेहतर रहता। मेरी बच्चे का तबीयत बहुत खराब है, अगर कुछ कर देते। इमाम साहब आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हमने कोई और इमाम देख लिया, आप अपनी जगह कहीं और बना दे। साहब क्या बोल रहे हैं आप? ओ चलिए, मैंने 10 साल इस मस्जिद में लगाया है साहब, अरे मेरी बच्ची की जिंदगी का सब। हाँ जोया, बच्ची का इंतकाल हो गया है। क्या? ऐ खुदा तू कैसा इम्तिहान ले रहा है मुझसे, तेरी बच्ची। अफसोस, अफसोस की बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ नाजिम साहब? क्या बताऊं जुबेर, उसके बाद जो है उसने इमामत के लाइन को छोड़कर दुनियावी रुख उसने पकड़ लिया।
इसलिए कहा जाता है अगर वक्त पर हमने अपने उलमा की कदर ना की, अपने मस्जिद के इमामों की कदर ना की, अगर हमारे उलमा अगर हमारे हाथ से निकल जाएंगे तो हमारे बच्चों को दीन सिखाने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरत है कि मस्जिद के इमामों की और अपने उलमा की कदर कर लिया जाए।